नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। प्रदेश दू सरकार से अध्यादेश आनल गेल पर विपक्षी लोसपा के आपत्ति, विरोधक बावजूद प्रदेश सभा में अध्यादेश पेश। नेपाली कांग्रेसक 14 महाधिवेशन से फिर से देवा सभापति में निर्वाचित। सभापति में भेल अपन पराजय के स्वाभाविक रूप में लेने कांग्रेस नेता कोइराला के कथन, पहिन के तरीका से काज भेला पर प्रतिवाद में उतरबाक चेतावनी। संविधान निर्माण संगे भेटल अधिकार सभक प्रतिफल प्राप्ति के लिए एकजुट भेल जेबाक, मंत्री झाकड़ी के कथन। आ पिछला 24 घंटा में देश भर और 280 गोटे में कोरोना संक्रमण और 6 गोटे की मृत्यु। समाचार विस्तार में। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के विरोध के बावजूद प्रदेश दू के प्रदेश सभा में सरकार दुट्टा अध्यादेश पेश कैलक। प्रदेश सरकारक दिस सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय आ प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय संबंधी अध्यादेश प्रदेश सभा में पेश कैलन। अध्यादेश आने कहत विपक्षी लोसपा के नेता सब आपत्ति जनौने। ल्याइएकोले यो अनडेमोक्रेटिक हो, अप्रजातान्त्रिक हो, यो चाहिँ टेबल गर्न हामी दिन्नौ। यसको उद्देश्य चाहिँ स्पष्ट छैन। अध्यादेशबाट यो प्रदेश सञ्चालन हुन सक्दैन। सरकारले यो अध्यादेशलाई फिर्ता नलिएसम्म हामी यो हाउसलाई, यो सदनलाई चलन दिँदैनौँ। धन्यवाद। लोसपा के सांसद सब विरोध जनौला बाद बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित कैल गेल छल। एकर बाद बैसल बैठक में मंत्री शाह दुनू अध्यादेश पेश कयने छलथि। माननीय सभामुख महोदय कोन मतले प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 94 को उपनियम 1 बमोजिम प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश 2078 सभामा पेश गर्दछु। मान्य सरू, अब मान्य सामाजिक विकास मन्त्री श्री नवल किशोर शाहलाई प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अध्यादेश 2078 सभामा पेश गर्न अनुमति दिन्छु। अध्यादेश सब पेश भेला संगे बैठक पुष 8 गते धरिक लेल स्थगित कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने सभामुख सरोज कुमार यादव बुध दिन के कार्यसूची में रहल प्रदेशक नाम आ राजधानी संबंधी विषय के हटौने छलथि। बुध दिन नाव संबंधी प्रस्ताव टेबल हेबाक आ राजधानी संबंधी प्रस्ताव पर परामर्श हेबाक कार्यसूची रहल छल। बैठक बाद सभामुख यादव नेपाली कांग्रेस के सांसद सब महाधिवेशन के लिए काठमांडू में रहला से ई प्रस्ताव सब कार्यसूची से हटाओल गेल जानकारी दिलन। दोसर बड़का दल कांग्रेसक अनुपस्थिति में एहि विषय में परामर्श के औचित्य नहीं रहल सभामुख कहब अछि। शिवचंद्र चौधरी हमारे नेपाली कांग्रेस के माननीय अनि एउटा जुन छलफल गर्नु थियो राजधानीमा र एउटा सिङ्गी दल नभएपछि अब छलफल गर्न पनि औचित्य भएन। बिहान राम सरोज म्यानेजरले पनि भन्नुभएको थियो कि हामी आउँदैछौँ, हाम्रो अधिवेशन छ, अब हाम्रो अधिवेशन सकेपछि अब नाम राजधानीको एकैचोटि छलफल गरौँ। अनि एउटा अब अहिले मुख्यमन्त्री पछिको सरकारमा सामेल हो नेपाली काङ्ग्रेस, मतलब दलमा पनि दोस्रो वरिष्ठ क्रममा दोस्रो क्रम छ सरकारमा सहभागी भएका, अनि एउटा सिङ्गी दल नभएपछि। बुध दिनक बैठकमे विशेष समयमे मुख्यमन्त्री राउत प्रदेश दूके नाम आ राजधानीके जल्दी निष्कर्ष लगेबाक बतौने छलथि। ओ अखनो नाम आ राजधानीके निष्कर्ष लागा नहि सकलमे अपन सेहो कमी रहल भऽ सकबाक स्वीकार कयने छलथि। हरू अन्यलतामा छ र हामीसँग प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँ राजधानीको कहिले टुङ्गो लगाउनुहुन्छ, कहिले नामको कहिले लगाउनुहुन्छ, के तपाईँहरू लगाउनुहुन्न, तपाईँहरूको के समय बितेपछि मात्र त्यसमा तपाईँ पहलकदमी गर्नुहुनेछ। त्यसैले माननीय सभामुख महोदय, म सबै माननीय संसदीय दलका नेताजीहरूलाई, सबै
पक्षलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यस्ता कामहरूलाई हामी चाहिँ बिना विलम्ब बिना डिले यदि हामी यसलाई निकास दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो उपलब्धि हुनेछ र मलाई के लाग्छ अब यो हाउस निरन्तरता पाओस् र सबै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू एउटा कन्क्लुजनमा पुगोस् एन बनोस् अन्य महत्त्वपूर्ण केही विधेयकहरू छ केही कुराहरू छन् भने त्यो पनि यसले निकास दियोस् र यही आफ्नो भनाइ साथ मुख्यमंत्री राउत दू नवर प्रदेश कहल गेल पर अपना के दुख बोध होइत आयल बतौने छलथि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता जितेंद्र सोनल मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के नैतिकता के आधार में पद छोड़ चुनौती देलन अछि। बुध दिन शुरू भेल प्रदेश दू के प्रदेश सभा के आठम अधिवेशन में नेता सोनल साइकिल खरीद प्रकरण में मुख्यमंत्री कार्यालय के अख्तियार पहल चरण में दोषी ठहर के कहित मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत द्वारा मार्ग प्रशस्त कैल जेबाक जिक्र कलन। ओ छापामारी लगले मुख्यमंत्री राउत अपन कार्यालय में कनिको दोष देखल गेला पर मार्ग प्रशस्त करबाक बतौने कहित आब मार्ग प्रशस्त क अख्तियार के सहयोग कर ओ चुनौती देलन। मुख्यमंत्री जी का शब्द मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि अधिकार हम लोगों ने कहा था कि सबका ओवरसाइट एजेंसी का राइट है कि वह चीजों को छानबीन करे और बहुत ही सरल और सपाट शब्द में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर इसमें थोड़ी सी भी दोष अगर दिखाई देगी मेरी और मेरी कार्यालय की तो मैं मार्ग प्रशस्त कर दूंगा। मुझे स्मरण हो रहा है कि बर्दीबास का अख्तियार का कार्यालय का प्रमुख का प्रतिवेदन उन्होंने सार्वजनिक किया है और कहा है कि प्रथम चरण में छानबीन में कार्यालय दोषित करा देखा गया है और दोषी ठहर किया है प्रमाणित किया है। मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है इसमें, मार्ग प्रशस्त करेंगे? अख्तियार द्वारा दोसर चरण के छानबीन सेहो भऽ रहल से मुख्यमंत्री राउत के मार्ग प्रशस्त कर ई आधार पर्याप्त रहल सेहो नेता सोनल के कहबै छै। बैठक में नेता सोनल प्रदेश सरकार आने दू अध्यादेश प्रति सेहो आपत्ति जनौलनि। चलि रहल बैठक रोकि कऽ प्रदेश सरकार प्राविधिक विश्वविद्यालय आ प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय संबंधी अध्यादेश आने कहित आपत्ति जनौलनि। हाउस अवरुद्ध का स्थिति है, देश में इमरजेंसी का अवस्था लगता है, लोग आने जाने का स्थिति है, बाढ़ से रास्ता टूट गया है, कोई एकदम दैविक प्रकोप आ गया है, हाउस नहीं बैठने का स्थिति है, सरकार को एकदम अति आवश्यक विधेयक एन बनाना है तो उसके लिए एक व्यवस्था किया है विधि प्रक्रिया में संविधान में कानून में कि आप अध्यादेश लाइए, ये आपका प्रियोगेटिव राइट है। लेकिन चलती हुई हाउस को बंद करके 20 गते हाउस संचालन होता है, 21 गते 20 गते 22 गते हाउस चल ही रहा है और हाउस को रोक करके और तब न कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी का अवस्था है अति आवश्यक विषय भी नहीं है और तब अध्यादेश से सरकार चलाना ये लोकतंत्र और गणतांत्रिक व्यवस्था का कहीं ना कहीं अवमूल्यन करना है, कहीं ना कहीं उसको एक धराशाही करने के दिशा में एक कदम तो हम लोग नहीं चल रहे हैं। सोनल अध्यादेश सब तत्काल फिरता लेब सेहो प्रदेश सरकार संग आग्रह कलन। ओ विभिन्न प्रतिष्ठान जन लोकपाल आयोग तथा समिति सब बनाओल गेल पर कारण कमजोर भेल आरोप लगलन। तहिना नीति आयोग के नाम परिवर्तन कऽ कऽ नीति तथा योजना आयोग राखने प्रति सेहो ओ असंतुष्टि जनौने छलथि। नेपाली कांग्रेसक सभापति में फेर शेरबहादुर देवा निर्वाचित भेल छथि। मंगल के रात सार्वजनिक भेल मत परिणाम अनुसार सभापति में 2733 मत आनिक शेरबहादुर देवा निर्वाचित भेल छथि। तहिना सभापति पद के दोसर उम्मीदवार शेखर कोइराला 1850
55 मत प्राप्त केने छलथि। पहिल चरण में कोनो उम्मीदवार 50% से बेसी मत नहीं आला बाद दोसर चरण में चुनाव पहुँचल छल। सभापति में दू मात्र उम्मीदवार रहल दोसर चरण में देवा फिर निर्वाचित भेल छथि। दोसरो चरण को निर्वाचन में दुईजना उम्मीदवार रहनु भयो डाक्टर शेखर प्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा र सो निर्वाचन में 2078 मंग्सिर 28 गते भएको निर्वाचन में डाक्टर शेखर प्रसाद कोइरालाले 1855 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै शेरबहादुर देउवाले 2733 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसरी 2733 मत प्राप्त गरी शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशनबाट सभापति पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछौं। 1855 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै शेरबहादुर देउवाले 2733 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसरी 2733 मत प्राप्त गरी शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशनबाट सभापति पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछौं। भएको निर्वाचनमा सो निर्वाचनमा 2078 मंग्सिर 28 गते भएको निर्वाचनमा डाक्टर शेखर प्रसाद कोइरालाले 1855 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै शेरबहादुर देउवाले 2733 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसरी 2733 मत प्राप्त गरी शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशनबाट सभापति पदमा निर्वाचित हुनुभयो। अब बुध दिन उपसभापति पद के मतगणना हेत। एकर बाद मात्र महामंत्री पद के मतगणना हेबा नेपाली कांग्रेस निर्वाचन समिति जानकारी देलक अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता डाक्टर शेखर कोइराला पार्टी सभापति में भेल पराजय के अपना स्वाभाविक रूप में लेने बतौलन अछि। पार्टी के 14 महाधिवेशन में सभापति पद में पराजित भेला बाद बुध दिन काठमांडू में आयोजित अपन विचार समूह के नेता कार्यकर्ता सभक जमघट में ओ सभापति देवा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से सभापति बनल कहित कार्यकालक पूर्ण सफलता के कामना कलन। नेता कोइराला नवनिर्वाचित सभापति देवा के पहिने जका खराब तरीका से पार्टी चलौला पर सशक्त प्रतिवाद में उतरवाक चेतावनी सेहो देलन। शेरबहादुर जी जो हाम्रो पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्छ उहाँ विजयी हुनुभएकोमा हुन त मैले बिहानै उहाँलाई बधाई दिइसकेको छ तर तपाईँहरूको माझबाट पनि यो जाओस् भनेर उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु र साथै उहाँको यो 4 वर्षको कार्यकाल जम्मा 4 वर्ष मात्रै हो 4 वर्षको कार्यकालको सफलताको कामना पनि गर्छु। हामीहरू उहाँसित प्रतिस्पर्धा नेपाली कङ्ग्रेसको यो आन्तरिक लोकतन्त्र हो आन्तरिक लडाई हो हामीहरूको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उहाँ विजयी हुनुभएको छ। विजयी भइसकेपछि र उहाँका टिम अब कस्तो आउँछ हाम्रा साथीहरू कति जित्नुहुन्छ त्यो त आजदेखि फेरि बक्सा खुल्छ त्यसले निर्णय गर्नेछ। सभापति में भेल पराजय से अपना कोनो कुंठा नहीं लेने कहित ओ अ महाधिवेशन से अपन विचार समूह के विचारक जीत भेल सेहो दावी कलन। नेता कोइराला अपना के स्नेह इज्जत मान आ प्रतिष्ठा देने कहित महाधिवेशनक प्रतिनिधि सब प्रति आभार व्यक्त करते अगला दिन में ई स्नेह के कहियो नहीं बिसरबाक बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेसक नेता एवं रक्षा मंत्री डॉक्टर मिनेन्द्र बुड़जाल नया नेतृत्व के कांग्रेस आब विचार में परस्ट भक आगा बढ़ल जेबाक बतौलन। नेपाली कांग्रेसक 14 महाधिवेशन में सभापति के उम्मीदवार डॉक्टर शेखर कोइराला के
प्रतिनिधि सबके धन्यवाद। कार्यक्रम में मंत्री रुजाल नया नेतृत्व के कांग्रेस आब विचार में प्रष्ट भक आगा बढ़ल जवाक बतौलन। मंत्री रुजाल डॉक्टर कोइराला के टीम से कांग्रेस में संख्या में भाग नहीं खोजबाक बल्कि विचार में प्रतिनिधित्व रहल जवाक बतौलन। सभापति पुनर्निर्वाचित हुनुभएका आदरणीय शेरबहादुर देवाललाई बधाई दिने क्रममा म यति भन्छु कि यो विचारलाई हामी व्यक्तिको भाग खोज्दैनौँ, विचारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ। आउने दिनमा काङ्ग्रेस सञ्चालन गर्दा यो विचार गहिरो रूपबाट प्रष्ट रूपबाट सम्प्रेषित गर्नुभएको छ कि काङ्ग्रेस पुरानो ढङ्गले चल्दैन, बिपी कोइरालाको पार्टी बिपी कोइरालाकै पार्टी जस्तो हुनुपर्छ भन्ने त्यो सन्देश सम्प्रेषण गर्न सफल हुनुभएकोमा म डाक्टर शेखर कोइरालालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। निर्वाचनको जित र हार महत्त्वपूर्ण होइन, निर्वाचनको जित र हार महत्त्वपूर्ण होइन, काङ्ग्रेसको अनुहार कस्तो देखिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण। मन्त्री रिजाल डाक्टर कोइराला उपर जिम्मेवारीके बोझ बढल कहेत अपना प्राप्त कैने मतसँ एकताबद्ध काङ्ग्रेस बनाब आग्रह कयलनि। ओ प्रधानमन्त्री देवाके काङ्ग्रेसमे परिवर्तन देखावला काज कर सेहो आग्रह कयने छलथि। नेपाली काङ्ग्रेसक नेता गगन कुमार थापा ओली बिसन आ अधिवेशन फरक रहल सन्देश नेपाली काङ्ग्रेसके 14 महाधिवेशन दिने बतौलने छ। नेपाली काङ्ग्रेसके 14 महाधिवेशनमे सभापतिके उम्मेदवार डाक्टर शेखर कोइराला कहिने प्रतिनिधि सबके धन्यवाद। कार्यक्रममे नेता थापा ओलिवेशन आ अधिवेशन अलग रहल बाद महाधिवेशन पुष्टि कयने बतौलनि। ओ एमाले अधिवेशनमे अध्यक्ष जेबीसँ नाव निकालि कऽ पढ़ने मुदा काङ्ग्रेसके अधिवेशनमे स्वयं प्रधानमन्त्री राति भरि बैस कऽ मतदाताके हाथ जोड़ने दृश्य अधिवेशनके विषयमे स्पष्ट कयने बतौलनि। नेता थापा सभापति देवा द्वारा आब नेपाली काङ्ग्रेसके गुट रहित बनाकऽ सही दिशा देल जेबाक बतौलनि। करिब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, निर्वाचनको प्रारम्भबाट अन्तिम मत हाल्ने बेलासम्म त्यस्तो चिसो स्याट चलेको बेलामा पहिला कोट कोटमाथि ओभरकोट थपेर भए पनि 5 घन्टा लाइन लागेर बस्नुभयो, एउटा एउटा मतदातालाई हात जोड्नु भयो, सेल्फी खिच्नु भयो, बसिराख्नु ठाउँबाट एउटा मतदाता आयो कि जुरुको उठ्नु भयो। म पनि सँगै यतापट्टि बसेर डक्टर शेखर कोइरालाको आडमा बसेर मत मागिरहेको थिएँ। मेरो त्यो बेलामा मनभित्र दुईवटा कुराहरू खेलिरहेको थियो, एउटा त्यसको मनभित्र डर चाहिँ रहेछ कतै दोस्रो चरणमा जाने हो कि चिप्लने हो कि भन्ने डर रहेछ, त्यसैले एकजना मतदाता पनि छाड्नु भएन। अनि सँगसँगै अर्को पनि सोचे, यस्तै अधिवेशन केही समय अगाडि नारायणीको किनारमा पनि भएको थियो, पूर्व प्रधानमन्त्री त्यो बेलामा शानले एउटा रिसोर्टमा बस्नुभएको थियो, अरू सबै नारायणीको किनारमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू घाममा सेकिएर बसेका थिए, चिसोमा कठाङ्ग्रेर बसेका थिए, कतिखेर निस्कनुभयो बगलीबाट एउटा लिस्ट निकाल्नुभयो पढ्नुभयो सुनाइदिनुभयो अधिवेशन सकियो। तर हाम्रो अधिवेशनको फरक, बालवाला प्रधानमन्त्री पनि सडकमा आउनु पर्यो, हात जोड्नु पर्यो, मत माग्नु पर्यो। नेता थापा आ पार्टीके नेता सभक सभापति शेरबहादुर देवा भेल बतबैत पार्टीमे अपन सम्बन्ध सङ्घर्ष आ सहकार्यके हेबाक बतौलनि। ओ पार्टी सभापतिके कोनो गुट नहि हेबाक कहैत नवनिर्वाचित सभापति देवाके ओहि अनुसार आगाँ बढ़ आग्रह कयने छलथि। नेपाली काङ्ग्रेसक नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देवा अगिला आम निर्वाचनमे पार्टीके एक बनाकऽ लऽ जेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन देवाके बधाई दैत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटाँड पहुँचल नेता महत अगिला आम निर्वाचनमे पार्टीके एक बनाकऽ लऽ जा सकबाक खूबीके कारण सभापतिमे देवा जीतल बतौलनि। देवा सब नेता सबके जोड़ सकबाक आ कोनो व्यक्तिके असुरक्षाके अनुभूति होवऽ देव नहि देबाक सेहो बतौलनि। सभापति देवाके ई दोसर कार्यकालमे पार्टीके आधुनिक सुदृढ़ विस्तारित आ गतिशील पार्टीके रूपमे निर्माण करबाक हुनक कहब अछि। निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर लान सक्ने जुन उहाँको खुबी छ त्यो नै उहाँको यो दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित हुनुको मूल कारण हो भन्ने मलाई लागेको छ। र उहाँको दोस्रो कार्यकाल हामी एउटा स्ट्रङ टिमवर्क गरेर यो पार्टीलाई आधुनिक सुदृढ विस्तारित जनता केन्द्रित देश केन्द्रित देशको स्वार्थ र आवश्यकता केन्द्रित
पार्टी को रूप में एउटा गतिशील पार्टी हम निर्माण गर्छ देवा के बाद हाई देवा बालवाटार पहुंचल नेपाली कांग्रेस के नेता अब्दुल सतार प्रधानमंत्री देवा अगला निर्वाचन में पार्टी के दू तिहाई बहुमत दियावा पार्टी के एकतावाद बना कर ल जेबाक विश्वास व्यक्त कलन अगला दिन में पार्टी सशक्त भक आगा बढ़वाक हुनक विश्वास है सब साथी प्रधानमंत्री पार्टी का नव निर्वाचित सभापति हमीर चाहिए बधाई दिन का यहाँ आया छो अब नेपाली कांग्रेस यति सशक्त भएर अगाडि चाहिँ बढ्ने छ जुन यो मुलुकमा चाहिँ तपाईको नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाई बहुमत ल्याउनका लागि पार्टी भित्र एकबद्ध एकताबद्ध भएर सबैलाई लाने जुन प्रतिबद्धता सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको छ र यसलाई अक्षरशः कारण गर्नका लागि र मुलुकको संविधान 2072 अक्षरशः कारण गराउनका लागि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नवनियुक्त सभापतिबाट पहल हुनेछ भन्ने हामी सबैलाई विश्वास छ नेता सतार पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देवाके नेपाली कांग्रेसक नेता कार्यकर्ता सब कन्हा में कन्हा जोड़ कर सहयोग कर तैयार रहल बतौने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के अस्थिरता के संवाहक शक्ति के रूप में चित्रण कलन अध्यक्ष ओली प्रचंड आ नेपालक कारण देश अस्थिर आ अस्थिरता दिस केन्द्रित हो गेल सेहो बतौलन ललितपुर के च्यासल स्थित तुलसीलाल आमाते स्मृति भवन में बुध दिन पार्टी के मनोनीत केंद्रीय सदस्य सभक शपथ ग्रहण कार्यक्रम में ओ कतेको बाहरी शक्ति देश में नियंत्रित अस्थिरता मचाव क्रियाशील रहल आ एकर संवाहक शक्ति के रूप में प्रचंड आ नेपाल काज कर रहल आरोप लगौलन ती शक्ति सबभन्दा चर्को गरी चलने प्रचंड यान कंपनी र माकुरे यान कंपनी सबभन्दा अहिले अस्थिरता का संवाहक तत्वहरू यिनीहरू नै हुन् कुनै भ्रम राख्नु पर्दैन र अझै कतिपय साथीहरूमा कम्युनिस्ट एकता भन्ने यस्ताहरूसँग एकता अस्थिरताका शक्तिसँग एकता गरेर कहीँ पुगिन्छ त्यो एकीकरण सम्भवै छ हामीले राम्ररी चिनिसकेका छौँ यिनको कनेक्सन कहाँ छ तार कहाँ जोडिएको छ कहाँबाट स्विच अन अफ हुन्छ त्यो हामीले देखेका छौँ छर्लङ्गै देखेका छौँ महान जनयुद्ध भनेर युवा र जनताहरूलाई महिलाहरूलाई अध्यक्ष ओली प्रचंड शेयर बाजार ध्वस्त बनेबाक उद्देश्य ल अभिव्यक्ति दिलो पर कोनो व्यक्ति नै बाजल कहत आपत्ति जनौलन प्रचंडले यो शेयर बजारको सम्बन्धमा बडा क्रान्तिकारी साम्राज्यवाद विकसित भयो भने शेयर बजार हुन्छ अरे साम्राज्यवादको विकसित रूप चाहिँ लेनिनले भन्दा पनि अलिकति बढ्दै जान्ने भएछन् दुई स्थिति पुँजीवाद विकसित हो भएर साम्राज्यवाद हुन्छ भनेर लेनिनले भनेका थिए त्योभन्दा माथि गएर साम्राज्यवाद विकसित भएपछि सेयर पुँजीमा जान्छ सेयर बजार भनेर प्रचण्डले एउटा नयाँ थेसिस ठोकिदिए दुई दिनमा सेयर बजार धराशायी अध्यक्ष ओली पार्टी के नेता सबके सही विचार व्यवहार आ तौर तरीका अवलम्बन करैत देश आ जनता के सेवा में समर्पित भक लागत सचेत करौने छलथि शहरी विकास मंत्री राम कुमारी झकड़ी संविधान निर्माण जारी भला संगे बहुत अधिकार से प्राप्त भेलो पर नागरिक आ सरकार दुनू जिम्मेवार भक एकर प्रतिफल प्राप्ति के लेल लागल जेबाक बतौलन अछि जनकपुर धाम में निर्माण होबय लागल प्रदेश जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रदेश मेडिकल स्टोर आ कोविड-19 विरुद्ध के खोप भंडारण गृह के बुध दिन शिलान्यास तथा प्रादेशिक वैक्सीन स्टोर भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री झाकड़ी एना बतौलन ओ जनता के कंडीशन आ पोजिशन में सुधार आना सरकार आ नागरिक से कर्तव्यनिष्ठ बनब आवश्यक रहल बतौलन
लड्यौँ र यो संविधान जारी गरेपछि हामी धेरै प्रकारका अधिकारहरू स्थापित गरेका छौँ। राजनीतिक हिसाबले अधिकार स्थापित गऱ्यौँ, तर अब कर्तव्य छ। कर्तव्य सरकारको पनि छ र सँगै नागरिकको पनि छ। जिम्मेवारी सरकारको पनि छ, त्यसै गरी नागरिकको पनि छ। र सबै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी नागरिक दायित्व बोध गरेर हामी सँगसँगै अगाडि बढ्यौँ भने आजको केही समयमा नेपाल सरकारले अथवा समग्र नेपाली जनताले लिएको लक्ष्य सुखी नेपाली समृद्ध राष्ट्रको लक्ष्य। मन्त्री झाँक्री संघीय प्रदेश आ स्थानीय सरकार बीच के समन्वय होनाइ आओर कठिनाई भइत गेल बतौलनि अछि। तीनू तहक सरकारक नागरिक प्रति के दायित्व ओतबे रहल सेहो बतौलनि। अनुदानहरू संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोषबाट स्थानीय सञ्चित कोषमा जाने व्यवस्था छ। त्यसकारण यो राज्यको समन्वयक सिद्धान्तको आधारमा पनि गरिएको छ र यसलाई हामीले त्यही रूपमा बुझेर हामी अगाडि जानुपर्छ। र यसो गर्दा सबै सरकारका नागरिक प्रतिका दायित्वहरू हुन्। अहिले हामी हिजो हाम्रो सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भएका धेरै परियोजनाका बारेमा कुरा गर्दै गर्दा केही आवश्यकताका कुराहरू पनि हामीले बोध गरेका छौँ। त्यसो गर्दा पक्कै पनि स्थानीय तहको पहलकदमी, सङ्घीय प्रदेश सरकारको सहयोगात्मक भूमिका र सङ्घीय सरकारले पहल कदमी लिँदाखेरि केही महत्त्वपूर्ण काम यहाँ बन्न सक्छन् भन्ने कुरा मलाई पनि लाग्छ। मन्त्री झाँक्री जनकपुर धामक बस स्टेशन, महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानके भवनके सदुपयोग तथा क्षेत्रीय रङ्गशाला निर्माणके लेल आवश्यक पहलकदमी लेबाक सेहो बतौलनि। प्रदेश दूके मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश दू सरकारसँग समेत बजेट आ काम करबाक क्षमता रहलो पर संघीय सरकारके समय अभावके कारण काज गर्न नै सकल बतौलनि। अन्त प्रदेशको बैठकमा सायद सचिवजी उहाँ पनि अब सचिव होला, अहिले सचिव हुनु भएको छ कि पुरानै हो, तर त्यो बेला मैले स्ट्रङली कुरा राख्दै थिएँ, बजेटको बाँडफाँड गर्दा पनि इमान्दारी त रहेनछ। प्रदेश दुईलाई जुन किसिमका प्रायोरिटीले यहाँ बजेटको विनियोजन हुनु पर्थ्यो, जसरी कि बजेट विनियोजनको आधार के त्यसमा चाहिँ जनसङ्ख्या र मलाई लाग्छ एचडिआईले आधार बनाउनु पर्ने हो, मानवीय विकास सूचकाङ्कलाई त्यसलाई आधार नबनाइकन बजेटका विभिन्न शीर्षकहरूमा हामीले थोरै बजेट पाएका छौँ। कार्यक्रममा प्रदेश दुके सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुघ्न महतो, शहरी विकास मन्त्रालयकी सचिव मणिराम गेलाल, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनुषाके विभिन्न निमित्त प्रमुख प्रदीप खनाल, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानके उपकुलपति डाक्टर राम केवल शाह, मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा सहितको उपस्थिति छ। मन्त्री महतो जनकपुर धामकी गन्दगी व्यवस्थापन, तीर्थालुके लेल धर्मशाला, रङ्गभूमि मैदान, बस पार्क आ राम जानकी रङ्गशाला सहितके निर्माणके लेल मन्त्री झाँक्रीके ध्यानाकर्षण गराउने छलथि। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, नेकपा एमालेके अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्थाके विघटन करबाक दिस उद्धत रहल आरोप लगौलनि अछि। बुध दिन जनकपुर धाम पहुँचल झाँक्री पत्रकार सम्मेलनमे एमाले अध्यक्ष ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्थाके विघटन करबाक दिस उद्धत रहल बतौलनि अछि। ओली संसदके औचित्य उपर प्रश्न उठाकऽ संसद विघटन करेबाक दिस लागल कहैत मन्त्री झाँक्री, ओली जेहन अहंकारी व्यक्ति सबके शिकार, संसद बनबा कि नहि बनबाक सम्बन्धमे बहस चलाल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। प्रश्न उठाएर संसद विघटन गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै विघटन गर्ने तर्फ नै उद्धत हुनुहुन्छ। त्यसकारण आज हामीले 70 वर्ष लडेको 7 दशकको इतिहास चाहिँ ओली जस्ता अहंकारी व्यक्तिहरूको शिकार संसद बन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चाहिँ गराउनुपर्छ समाजमा। त्यसकारण उहाँहरूले त यसको औचित्य आफूले विघटन गरेको असंवैधानिक मात्र होइन आपराधिक क्रियाकलापको संसद विघटन गर्ने त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि उहाँले संसद चल्न दिनुहुन्न, तर सरकारले चाह्यो भने संसदमा आफ्नो बिजनेस गर्छ। मन्त्री झाँक्री एमाले पार्टी दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटमे लागल आरोप लगौलनि। एमालेके 10 महाधिवेशनमे लोकतान्त्रिक अभ्यास नै करब, अयोग्यता नै पहुँचलके पार्टीके उपरका तहमे पहुँचनाइसँ एमाले दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटमे लागल पुष्टि भेल बतौलनि।
एक प्रकारले भनेको अमान्छेहरू, मानवीय संवेदना नभएका मान्छेहरू, स्वतन्त्र विचार राख्न नसक्ने मान्छेहरूले होचा कथका बुख्या चा स्टाइलका तस्विरहरू खिचेर सार्वजनिक गर्ने कामका लागि मात्रै त्यो विधान सम्मेलन उनीहरूको कामकाजी भयो। त्यसपछि उहाँहरूले हामीसँगैबाट रहेका कतिपय साथीहरूले एमालेको दशौँ महाधिवेशन हेर्छौँ र त्यस पछाडि भनेर केही कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। चितवनमा भएको एमालेको दशौँ महाधिवेशनले न विचारको क्षेत्रमा कुनै काम गर्यो, न सङ्गठनको क्षेत्रमा रूपान्तरणको कुनै कुरा गर्यो, न त्यो विधान सम्मेलनले पारित गरेको त्यसको विधानको संरचनालाई कायम गर्यो, ताकि लोकतन्त्रको यति ठुलो उपहास सँगसँगै अहिले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, वडा तहसम्मबाट काङ्ग्रेसले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि महासमिति सदस्यहरू निर्वाचित गरेर गए। पहिलो राउन्डमा ओएमआले निरन्तर निचा जा रहल सेहो टिप्पणी कयने छथि। मन्त्री झाँक्री श्रमजीवी सर्वहारा वर्गके सच्चा नेतृत्व करयवला पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी रहल सेहो दावी कयने छथि। पछिला 24 घण्टामे देशभरिमे 280 गोटेमे कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयके अनुसार 11,994 गोटेके कोविड परीक्षण कयल गेल छल, जाहिमेसँ पीसीआर परीक्षणसँ 252 आ एंटीजन विधि से 28 गोटे में कोविड पुष्टि भेल, मंत्रालय जानकारी देलक। तहिना के 300 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। अखन धरि 807,816 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल छै। पछिला 24 घंटा में और 6 गोटे के मृत्यु भेल छै। एहि संगे अखन धरि 11,565 गोटे के मृत्यु भ चुकल, मंत्रालय जानकारी देलक। देशभर सक्रिय संक्रमित 5,635 गोटे रहल अछि। एम्हर प्रदेश दू में पछिला 24 घंटा में एको गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण नहीं देखल गेल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार वो दिन एको गोटे में संक्रमण नहीं भेटल छै। प्रदेश दू में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या अखन 38,584 रहल छै। प्रदेश दू में मृत्यु वाला के संख्या 1,040 रहल छै। तहिना प्रदेश दू में अखन धरि 37,488 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। अखन 56 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। एहि वर्षक अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासी श्रमिक दिवस सप्ताहव्यापी रूप में मनाओल जायत। हरेक वर्ष डिसेम्बर 18 के दिन मनाओल जाय वाला अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासी श्रमिक दिवस एहि वर्ष सेहो विभिन्न कार्यक्रम सब क सप्ताहव्यापी रूप में मनाओल जाय लागल। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के सचिव तथा अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासी कामदार दिवस 2021 मूल समारोह समिति के अध्यक्ष एक नारायण अर्याल जानकारी दिलेन। हाम्रो नेपालले सन्दर्भको कुरालाई र 18 डिसेम्बरलाई चाहिँ इन्टरनेसनली आप्रवासन कामदारको दिवसको सन्दर्भलाई लिएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा मनाउँदैछ भने हामीले चाहिँ सप्ताहव्यापी हिसाबमा चाहिँ 16 डिसेम्बरदेखि 22 डिसेम्बरसम्म चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ प्रदेश सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनाउँदैछौँ। यसमा चाहिँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के सचिव समेत रहल अध्यक्ष अर्याल विश्व के 110 देश में वैधानिक रूप में नेपाली सब पहुँचल आ विभिन्न माध्यम से कक 172 देश में नेपाली सब रहल बतौलन। जाने वैदेशिक रोजगारी को नाव में यह भैर ठगी कसरी निंत्रण करने भाई सन्दर्भ में मंत्रालय ने कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाक हमी तपाईहरुलाई यहाँ मैले भन्नै पर्छ हामीले अहिले अस्ति हिजोको चाहिँ निर्णय श्रम मन्त्रालयको निर्णयबाट चाहिँ ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर हामीले गठन गरेका छौँ। सरकार वैदेशिक रोजगारके प्रविधि मैत्री बनेबाक सेहो ओ बतौलन। वैदेशिक रोजगारीके सम्बन्धमे कोनो भी कठिनाइ नियन्त्रण करैके लेल मन्त्रालय ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन कयने सेहो ओ जानकारी देने छलथि। अब खेल समाचार। यूएई में आयोजन होवला एसीसी अंडर 19 एशिया कप के लिए नेपाली युवा खिलाड़ी
तैयारी के तीव्रता दौड़ल छे। एशिया कप में नेपाल निक नतीजा निकालबाक लक्ष्य के साथ कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में तैयारी के तीव्रता देल जा रहल छे। नेपाल एक सप्ताह बाद ACC अंडर 19 एशिया कप खेल जा रहल छे। कोरोना महामारी के कारण तय भेल किछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सहभागी हो नहीं सकल अवस्था में नेपाल करीब 2 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण करय लागल छे। एशिया कप में टेस्ट मान्यता रहल बांग्लादेश, श्रीलंका आ कुवैत प्रतिस्पर्धा करत। नेपाली टोली के प्रशिक्षण करा रहल प्रशिक्षक बसंत शाही छोट समय के तैयारी के उपलब्धिमूलक बनेबाक लक्ष्य के साथ खिलाड़ी सब मेहनत कर रहल आ सेमीफाइनल धरि के यात्रा लक्ष्य लेने सेहो बतौने। चुनौती तो निश्चित रूप से है, तैपनी युवा टीम छ, हाम्रो युवा टीम भएको हुनाले जोश जागर छ, र यो जोश जागर चाहिँ नि सही दिशामा केन्द्रित भएको खण्डमा ती बलिया राष्ट्रलाई पनि हामी पछि पारेर सेमिफाइनलसम्म पुग्ने हामी चाहिँ नि प्रयास चाहिँ नि गर्नेछौँ। मुख्य प्रशिक्षक शाही अंडर 19 प्रतियोगिता में निक बैटिंग केने खिलाड़ी सब टीम में समेटल गेल कहैत बैटिंग पक्ष में कमजोरी नहीं भेल बतौलनि। YYU19 जुन चाहिँ नि नेशनल टुर्नामेन्ट भयो त्यसमा पनि तपाईले देख्नु भयो धेरै सेन्चुरीज लाग्यो, 50 लाग्यो हैन, रन बन्यो, जे होस् राम्रै रन बनिरहेछ। यस्तो यतिको रन चाहिँ नि प्राय निस्किदैन नेशनल गेमहरुमा हैन, यो युवा खेलाडीहरुले चाहिँ नि निकालिरहेछ त्यति रन, त्यसले गर्दा ब्याटिङ चाहिँ नि अलिकति राम्रै पक्ष देखिरहेको छु हैन, अनि बलिङ पनि ठीक छ, तर अलिकति सायद मलाई लाग्छ यो कोभिडले गर्दा हो, खेलाडीहरु त्यति फिट देखिदैन त्यति। समूह चरण पार केला पर नेपाल और एशियाली सुपर पावर टेस्ट राष्ट्र सब जका जना भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के सामना करत। नेपाली टोली के प्रभावशाली खिलाड़ी देव खनाल सेहो प्रशिक्षक जेहन अखन के टोली में दोनों बैटिंग आ बॉलिंग पक्ष में सबल रहल कहत निक नतीजा निकालबाक आशा रहल बतौलन। एकदम राम्रो छ, कन्फिडेन्स होइन कि पहिलाको रेकर्ड्सहरूलाई अझै बेटर गरौँ भन्ने होइन, अनि सबै एकदम राम्रो पम्प्ड अप छन् अनि एकदम राम्रो टुर्नामेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। ट्रेनिङ राम्रै भइरहेछ होइन, अब सबै बोइजहरू सबै राम्रो छन् होइन, अनि 20 जो आज सबै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेर आइरहेछ, त्यही भएर एकदम राम्रो ट्रेनिङ चलिरहेको। कलाम सर, जगत सर होइन, बसन्त गुरु सबले एकदम राम्रो एफर्ट हालिरह। पर्सनली म एउटा कुरामा वर्क गर्नुपर्ने छ होइन, उसमा चाहिँ म वर्क गरिरहेछु अनि राम्रै भइरहेछ भनौँ। दोस्रो खेलाडी सेडमल घरेलू प्रतियोगिता में केने प्रदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय खेल में सेहो निरंतरता दैत टोली के सुखद नतीजा दियाब सहयोग करबाक बतौलन। मलाई लाग्छ जहाँसम्म हामीले अहिलेसम्म राम्रो क्रिकेट खेलेको हैन, अनि जो वर्ल्ड कप एउटा मिस भयो, हामी एक रनले अब पानीले चाहिँ डिस्टर्ब गर्यो, त्यसपछि हामीले योपालिको वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल्न पाएनौँ। मलाई यहाँसम्म योपालि हाम्रो यति राम्रो टिम छ, मलाई विश्वास छ कि हामीहरू योपालि क्वालिफाई हुन्थ्यौँ अनि राम्रो टिम थियो। हामी त्यो 2019 हामीहरू त्यसको प्रिपेरेसन गरिरहेको थियौँ, त अनि हामीलाई विनोद सरले चाहिँ तयारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो भित्रदेखि पनि सर। December 23 UAE होवाला प्रतियोगितामा 8 टोली एक दिवसीय फर्मेटमै प्रतिस्पर्धा करत। आयोजक सहभागी टोली के 2 समूह में विभाजन कर प्रतिस्पर्धा कराव लागल छे, जय अंतर्गत नेपाल समूह बी में रहल छे। समूह बी अंतर्गत नेपाल अपन पहिल खेल बांग्लादेश विरुद्ध December 23 में यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के शारजहाँ में खेलत, तहिना दोसर खेल श्रीलंका विरुद्ध December 26 में खेलत। तहिना समूह चरण के अंतिम खेल में नेपाल कुवैत विरुद्ध December 28 में खेलत। तहिना समूह ए में आयोजक UAE, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान रहल छे। दुनू समूह से शीर्ष 2 टोली सेमीफाइनल में प्रवेश करत। दुनू सेमीफाइनल December 30 में हैत आ फाइनल खेल January 1 में हैत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से। प्रदेश दू सरकार से अध्यादेश आनल गेल पर विपक्षी लोसपा के आपत्ति, विरोध के बावजूद प्रदेश सभा में अध्यादेश पेश। नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन से फिर से देउवा सभापति में निर्वाचित।
सभापति में भेल अपन पराजय के स्वाभाविक रूप में लेने कांग्रेस नेता कोइराला के कथन पहिनके तरीका से काज भेला पर प्रतिवाद में उतरबाक चेतावनी। संविधान निर्माण संगे भेटल अधिकार सभक प्रतिफल प्राप्ति के लिए एकजुट भेल जेबाक मंत्री झांकड़ के कथन। आ पिछला 24 घंटा में देश भर में और 280 गोटे में कोरोना संक्रमण और 6 गोटे की मृत्यु। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।